we had seen that this mitotic division is going to take place in two different places. Now those two different places are, the first one is before pollination. कहाँ पे होगा? Before pollination. कहाँ पे? In pollen sac. कहाँ पे होगा? In pollen sac. Before pollination in the pollen sac. एंड सेकेंड वन क्या होगा? आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पे होगा? ऑन दी स्टिग्मा. आफ्टर पॉलिनेशन ऑन दी स्टिग्मा. सो बिफोर पॉलिनेशन इन दी पोलन सैक. तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? वाइल सी व्हेन वी राइट दी वर्ड पीजी. व्हाट इज पीजी? पोलन ग्रेन. पीजी का मतलब क्या होगा? पोलन ग्रेन इज स्टिल इनसाइड. कहाँ पे इनसाइड है? इट इज इनसाइड दी पोलन सैक. मतलब अभी तक डिहिसेंस नहीं हुआ. While the pollen grain is still inside the pollen sac, तभी क्या होगा? The protoplast, protoplasm, protoplast of pollen grain, मतलब PG, वो क्या करता है? Undergoes unequal mitotic division. क्या करेगा बच्चा लोग? Unequal mitotic division करेगा. Unequal मतलब not equal. Unequal mitotic division करेगा. With the help of that, we are going to have two cells. क्या करेगा? टू अनइक्वल अनइक्वल माइटोटिक डिविजन करेगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू हैव टू सेल्स. कौन से है टू सेल्स? फर्स्ट इज द लार्जर सेल. लार्जर सेल इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल और इट इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल. मैंने बोला लार्जर सेल को क्या याद रखना है? वी टी. लार्जर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव और ट्यूब सेल. एंड जो स्मॉलर सेल रहेगा ना, स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज द जनरेटिव सेल. स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज दी. ठीक है, इसके बाद जो हम लोग बोलेंगे, ये सेल लार्जर है. सेल लार्जर है मिथिल, तो इसका न्यूक्लियस कैसे होगा बेटा? उल्टा होगा. इट इज गोइंग टू हैव अ स्मॉल, देखो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, स्मॉल ट्यूब न्यूक्लियस लिखेंगे. क्या लिखेंगे? स्मॉल ट्यूब न्यूक्लियस. तो इसके पास जगह बाकी रहेगी ना, रिकामी जगह. अभी वो खाली जगह में क्या करेगा? इट हैज रिजर्व फूड एंड वैक्यूल. क्या है इसके पास? इट हैज रिजर्व फूड एंड वैक्यूल है इसके पास. इट हैज रिजर्व फूड एंड वैक्यूल. जबकि यहाँ पे जो स्मॉलर सेल है उसके पास क्या रहेगा? लार्ज न्यूक्लियस एंड इट डज नॉट हैव रिजर्व फूड एंड वैक्यूल. डज नॉट हैव रिजर्व फूड एंड वैक्यूल. ये जो टू सेल्ड पोलन ग्रेन है ना, इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज दिस टू सेल्ड पोलन ग्रेन. टू सेल्ड पोलन ग्रेन, पीजी मतलब पोलन ग्रेन, इज कॉल्ड यंग और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. अभी आधा आंसर हो चुका है. यंग और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. ओके, लेट अस सी इन द आंसर हाउ वी कैन ड्रॉ दिस. हमें इसमें दो डायग्राम बनाने हैं बच्चा लोग. फर्स्ट वी ड्रॉ वन सर्कल, ठीक है, ये बनाया. वील हैव इरेजर रबिंग फ्रॉम यर यर एंड यर, रब कर दिया. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन विच इज द इंटाइन. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द इंटाइन. सो डायग्राम आपको समझा है. द आउटर वन विच वॉज, दिस इज नोन एज द एग्जाइन. एंड जो अंदर वाला है येलो कलर वाला, दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन. क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन. इसके अंदर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. एंड जो न्यूक्लियस रहेगा, दिस इज द साइटोप्लाज्म. एंड ये जो न्यूक्लियस है ना, दिस इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे इसको? हैप्लॉइड न्यूक्लियस. हैप्लॉइड न्यूक्लियस. So this is the diagram. This is the diagram for pollen grain. किसका डायग्राम है? ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है जो ऑलरेडी आपने पहले वाले आंसर में देखा है. येस और नो? अभी जब भी हमने जो भी आंसर लिखा है, इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट जो प्रोटोप्लास्ट है ना पोलन ग्रेन का, डिवाइड करके टू अनइक्वल सेल्स बनाएगा. इट इज गोइंग टू मेक व्हाट बच्चा लोग? टू अनइक्वल सेल्स. सो वी आर गोइंग टू हैव, कैसे सिखाया मैंने डायग्राम बनाना? ड्रॉ सर्कल और एन ओवल शेप. इट्स ओके, सर्कल भी चलेगा, ओवल भी. तीन जगह पे रब किया विद द हेल्प ऑफ इरेजर. एंड देन पहले इन टाइम से मत बनाना चालू करो. देखा कैसे बनाया मैंने? पहले मैं एग्जाइन बनाती हूँ, बाद में आई ड्रॉ दी इन टाइम. क्लियर है सबको?
सो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके अभी यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग. सी वाइल दिस पोलन ग्रेन इज स्टिल इनसाइड द पोलन सैक क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पोलन ग्रेन जो है ना वो क्या करता है, अनइक्वल डिविजन करता है, अनइक्वल माइटोटिक डिविजन, जिससे क्या बनता है टू सेल्स, वन इज गोइंग टू बी अ लार्जर सेल, वन इज गोइंग टू बी अ स्मॉलर सेल. सो इधर हमने दिखाई है येल्लो कलर में स्मॉलर सेल, ठीक है ये स्मॉलर सेल बनेगा तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी जेनरेटिव सेल. क्या बोलेंगे इसको, जेनरेटिव सेल, ठीक है. एंड ये जो लार्जर सेल बन गया इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल. अभी ये है अपना वेजिटेटिव सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ट्यूब सेल, वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस रहेगा ना, दिस इज कॉल्ड स्मॉल ट्यूब न्यूक्लियस. और इसका न्यूक्लियस कैसे दिखाएंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू शो अ लार्ज न्यूक्लियस. ये इसका न्यूक्लियस है किसका, जनरेटिव सेल का. सो वी हैव टू हैव अ नेम फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो. दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज यंग और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. इसको यंग बोलते हैं या तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज टू सेल्ड पोलन ग्रेन. यंग और पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, और दिस इज कॉल्ड एज दी क्या बोला मैंने नेक्स्ट, टू सेल्ड पोलन ग्रेन. क्या बोलेंगे, दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज टू सेल्ड पोलन ग्रेन. पीजी का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन. पीजी इज नथिंग बट पोलन ग्रेन. सो आई फील इतना पार्ट ऑफ द आंसर एंड उसका रिलेटेड डायग्राम इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी. तो यहाँ पे दो बार माइटोटिक डिविजन होगा, जिसमें से एक बार हमने देख लिया, एक बार माइटोटिक डिविजन हुआ मतलब उससे कौन से सेल बने, टू अनइक्वल सेल्स. लार्जर सेल इज वी टी, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज दी जेनरेटिव सेल. क्लियर है. अभी क्या होगा, आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पे, ऑन दी स्टिग्मा. नाउ विल मूव टू आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पे, ऑन दी स्टिग्मा. तो लेट्स, वेरी गुड. सो सेकेंड इज आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पे, ऑन दी स्टिग्मा. आफ्टर पॉलिनेशन कहाँ पे, ऑन स्टिग्मा. ऑन स्टिग्मा यहाँ पे पिछले वाले में ना बच्चा लोग एक लाइन और ऐड करनी है हम लोग को. जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स रहते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स मींस फ्लावरिंग प्लांट्स, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज. पोलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं, आर रिलीज एट टू सेल स्टेज. पोलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं, एट टू सेल स्टेज. कैसे रिलीज होंगे, उसके लिए एंथर को बर्स्ट ओपन होना पड़ेगा. व्हाट इज दैट बर्स्ट ओपनिंग कॉल्ड एज, वेरी गुड, डेहिसेंस. इट इज कॉल्ड एज डेहिसेंस. सो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज एट टू सेल स्टेज आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर. डेहिसेंस का स्पेलिंग डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर. डिफाइन, इट इज़ नॉट दही, डी एच आई नहीं आएगा, इट इज़ डेहिसेंस, डी ई एच आई, ठीक है. सो अभी तक हमारा आधा आंसर हुआ जिसमें एक माइटोटिक डिविजन देखा हम लोग ने. मिथिल क्लियर है आंसर यहाँ तक, लार्जर सेल स्मॉलर सेल एंड टू सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, यंग और पार्शली डेवलप मेल गैमेटोफाइट. So we have seen such a kind of pollen grain is called as young or partially developed male gametophyte, and in most of the angiosperms pollen grains are released after the dehiscence of anther, which is the bursting of the anther at maturity. Now what happens after pollination, after pollination where bacha log, on the stigma, on the stigma. So first we are going to start with a rough diagram to explain this concept. So that is going to be, we don't need this actually. Fine. Now we have this as the stigma. This is our style and we have the ovary over here. So what happens when this two-celled pollen grain,
when this two-celled pollen grain lands on the stigma, when this two-celled pollen grain lands on the stigma, it is going to absorb. We have this two-celled pollen grain which is going to land on the stigma. It is going to absorb. It is going to absorb SSS. Sugary stigmatic secretion. So two-celled pollen grain landing on the stigma. It is going to absorb sugary stigmatic secretion. So volume of the cytoplasm inside is going to increase. क्या इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ दी. अभी सेल के अंदर का कुछ माल और सामान बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर के वॉल पे आएगा कि बाहर के वॉल पे. अंदर के वॉल पे. अंदर के वॉल पे क्यों आएगा, क्योंकि सामान किधर बढ़ा है, सेल के अंदर. तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर किसके ऊपर, ऑन इंटाइन. इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर किसके ऊपर, ऑन इंटाइन. सो दिस इंटाइन इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम यर. ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर. So intine comes out of the germ pore in the form of a tube which is called as pollen tube. क्या बोलते हैं ट्यूब को, pollen tube. So अभी तक ये हुआ था कहानी में, दो सेल वाला pollen grain stigma पे आया, उसने absorb किया stigma का sugary secretion, जिसके कारण अंदर का volume cytoplasm का बढ़ गया. वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया तो प्रेशर अंदर के वॉल पे आया, विच इज द इंटाइन. तो इंटाइन बाहर आया जर्म पोर से. किधर से बाहर आया, जर्म पोर से. और वो ट्यूब जो बना उसका नाम क्या था बच्चा लोग, पोलन ट्यूब. ट्यूब का नाम था पोलन ट्यूब. नाउ इन दिस पोलन ट्यूब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, थिंक वेरी क्लियरली. हाँ, पोलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले आएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म रहेगा. अभी ये ट्यूब है ना, ट्यूब, तो वील हैव दी ट्यूब न्यूक्लियस. क्या रहेगा, ट्यूब न्यूक्लियस. एंड वी हैव दी जेनरेटिव सेल. ये बड़ा सा जो बनाया ना सेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेनरेटिव सेल. तो सेल जेनरेटिव सेल है और न्यूक्लियस कौन सा है बच्चा लोग, ट्यूब न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कौन सा है, ट्यूब. सो पोलन ट्यूब है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ट्यूब न्यूक्लियस, और कौन है, जेनरेटिव सेल. इसको कैसे याद रखते हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है, जो स्मॉल है ना वो आएगा. देखो यहाँ पे एक बार क्विक रिवाइज करो. यहाँ पे हमने देखा है बच्चा लोग, स्मॉल कौन है, स्मॉल है हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पे स्मॉल कौन है, जेनरेटिव सेल. सो न्यूक्लियस में स्मॉलर है, ट्यूब न्यूक्लियस आएगा. एंड यहाँ पे स्मॉलर सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, जेनरेटिव. सो दैट इज गोइंग टू कम तो इन द पोलन ट्यूब. फाइन. Now this pollen tube is going to grow down the style. कहाँ पे grow करेगा, towards the ovule. Towards the ovule. Because of the chemical stimulus coming from the ovary. Chemical stimulus ovary बुला रहा है. देखो ये pollen tube नीचे grow हो रहा है ना, ये तो ऊपर भी grow हो सकता था हवा की तरफ. ऊपर नहीं ग्रो होगा हवा की तरफ, नीचे ही होगा. बिकॉज ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एग सेल है. कौन है, एग सेल. दिस इज गोइंग टू से द मेल गैमेट, आई एम योर फीमेल. स्टिमुलस, अ केमिकल स्टिमुलस इज गोइंग टू कम कहाँ से, फ्रॉम द ओव्यूल. सी द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन द स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल बिकॉज ऑफ द केमिकल स्टिमुलस फ्रॉम द ओवरी. Because of the chemical stimulus from the ovary, pollen tube grows down the style towards the ovule. Because of the chemical stimulus, कहाँ से, from the ovary. Clear है? Now, what is going to happen is, last point है हमारा, ये आएगा जो generative cell है ना, वो divide करेगा by mitosis. कौन divide करेगा by mitosis? Generative cell. अभी ये divide किया mitosis से, ये बनाएगा two non-motile male gametes. क्या बनाएगा बोलो, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनाएगा. क्लियर है ये, यस और नो. तो जेनरेटिव सेल जो है ना वो डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस और क्या बनाएगा, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. तो अपन लास्ट पॉइंट में क्या बोलेंगे, लास्ट पॉइंट में हम लोग ये बोलेंगे, ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये जो पोलन ट्यूब जिसके अंदर क्या क्या है, नंबर वन टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. नंबर वन इज टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. नंबर टू इज दिस डीजेनरेटिंग. अभी गायब हो रहा है, देखो दिस इज गोइंग टू डिसअपीयर. ये गायब हो रहा है. डीजेनरेटिंग एंड स्टराइल ट्यूब न्यूक्लियस. इसको डीजेनरेटिंग और स्टराइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गायब हो रहा है. इसका कोई फंक्शन नहीं है. इसका काम क्या है, खाली ट्यूब में आना. इसका फंक्शन सिर्फ इतना था बस, सिंपल, खाली पोलन ट्यूब में आना. बिकॉज इसका नाम ही ट्यूब न्यूक्लियस है, तो पोलन ट्यूब में आने का काम है. ठीक है,
तो डीजनरेटिंग स्टराइल ट्यूब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट्स डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. रिप्रेजेंट क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. नाउ दिस इज अ हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर. क्या है ये? हाईली. सो एक बार देखते हैं आप लोगों को कितना याद हुआ. देन वी विल बी ड्रॉइंग द एक्चुअल डायग्राम्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जाम. बच्चा लोग आपको ना ये सभी डायग्राम एक साथ भी पूछ सकते हैं, दो दो मार्क के लिए इंडिविजुअल डायग्राम भी पूछ सकते हैं. जैसे उन लोग आपको पूछ सकते हैं ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ अ टू सेल्ड पोलन ग्रेन. कौन सा डायग्राम बनाओगे टू सेल्ड पोलन ग्रेन बोला तो? समझा आपको? अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ अ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, तो आप कौन सा बनाओगे? थर्ड वाला बनाओगे. मैं सिखा रही हूँ जर्मिनेटिंग वाला. फोर्थ वाला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ खाली मेल गैमेटोफाइट बोला तो लास्ट वाला डायग्राम जो बोलूंगी. अगर उन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोला तो सभी डायग्राम. अगर क्वेश्चन में आया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तो सब डायग्राम. एक बार देखते हैं सब हो जाने के बाद. अभी देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा. सबसे पहले टू सेल पोलन ग्रेन. पीजी मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन. लैंड्स ऑन स्टिग्मा क्या करता है? लैंड्स ऑन स्टिग्मा क्या करता है? एब्जॉर्ब्स शुगरी स्टिग्मैटिक सिक्रीशन. वेरी गुड. शुगरी स्टिग्मैटिक सिक्रीशन जिसके कारण क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस क्रिएट्स प्रेशर किसके ऊपर? ऑन एंटाइन. एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इंटाइन. ऑन इंटाइन. इंटाइन कम्स आउट ऑफ द जर्म पोर. इंटाइन क्या होता है? कम्स आउट ऑफ जर्म पोर. ऑफ जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब. इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब. नाउ दिस पोलन ट्यूब इज गोइंग टू ग्रो. कैसे ग्रो होगा? पोलन ट्यूब ग्रोज डाउन द स्टाइल. ग्रोज डाउन द स्टाइल कहाँ पे? टूवर्ड्स द ओव्यूल. कहाँ पे? टूवर्ड्स ओव्यूल. ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस फ्रॉम द ओवरी. ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस फ्रॉम द ओवरी. स्टिमुलस फ्रॉम ओवरी. अभी ये पोलन ट्यूब के अंदर कौन कौन जाता है? वील से मीनवाइल ट्यूब न्यूक्लियस जेनरेटिव सेल एंड साइटोप्लाज्म. ट्यूब न्यूक्लियस है, जेनरेटिव सेल एंड साइटोप्लाज्म कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? दे आर गोइंग टू माइग्रेट. क्या होते हैं? दे आर गोइंग टू माइग्रेट कहाँ पे? इन पोलन ट्यूब. दे आर गोइंग टू माइग्रेट इन पोलन ट्यूब. उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस. जेनरेटिव सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. क्या बनाता है? टू नॉन मोटाइल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें सेकेंड टाइम माइटोसिस हो रहा है. यू गोइंग टू शो योर टीचर्स बाय अंडरलाइनिंग दिस. क्या हो रहा है? सेकेंड माइटोसिस इधर हो रहा है. जेनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है बाय माइटोसिस और क्या बन रहे? टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. नाउ दिस पोलन ट्यूब. ये जो पोलन ट्यूब है ना, दिस पोलन ट्यूब विच इज कैरिंग. क्या कैरी कर रहा है बोलो? टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. डीजेनरेटिंग स्टराइल ट्यूब न्यूक्लियस. Degenerating sterile. Sterile because वो reproduction में help नहीं हो रहा है. Sterile tube nucleus and cytoplasm. And क्या आएगा? Cytoplasm represents development of male gametophyte. क्या करता है? Represents development of male gametophyte. Development किसका? Of male gametophyte. It is a highly reduced structure. Now when we draw the diagram, इनके diagram हमें दो दो अलग अलग diagrams पढ़ने हैं अभी बच्चा लोग. पहला question पूछा जाता है on germinating pollen grain, ठीक है? First is about the germinating pollen grain. We are going to see
हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट विद दिस सर्कल बनाया. वी आर गोइंग टू हैव थ्री जंप पोर्स. ये तीन जंप पोर के लिए हमने रब किया. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी इन टाइम. यस बेटा. फाइन. अभी जब भी यहाँ तक हमने बना लिया, ये तो नॉर्मल पोलन ग्रेन बना, एक्साइन और इंटाइन. जब भी हम लोग जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन बोलेंगे तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आ चुका है? ऑन स्टिग्मा. क्या एब्जॉर्ब किया? शुगरी स्टिग्मेटिक सिक्रेशन. वॉल्यूम बढ़ गया साइटोप्लाज्म का. तो क्या बाहर आया बच्चा लोग? पोलन ट्यूब. तो इसको एक को रब करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस वे. ये क्या बन जाएगा? दिस इज द डायग्राम फॉर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन. किसका डायग्राम है? फॉर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे? देखो बहुत सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डॉटेड 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 स्ट्रक्चर बनाएंगे. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? वेरी गुड. इसको क्या बताएंगे? दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. देन व्हाट वी हैव टू ड्रॉ इज, तुम लोग को पता है, वी हैव टू ड्रॉ दी ट्यूब न्यूक्लियस. क्या बनाना है? ट्यूब न्यूक्लियस. अभी कुछ नहीं लिखना, अभी खाली ट्यूब न्यूक्लियस लिखना है, क्योंकि अभी तक बेचारा खाली जर्मिनेट कर रहा है. एंड यहाँ पे बड़ा बनाएंगे ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जेनरेटिव सेल. क्या बनाएंगे? जेनरेटिव सेल. एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक लेबलिंग रह गया. गेस गेस. पोलन ट्यूब का लेबलिंग रह गया है. पोलन ट्यूब विच इज दिस ऑरेंज कलर. क्या है? पोलन ट्यूब. क्लियर हो गया? जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन पूछा तो क्या बनाना है? येस और नो. एंड लास्ट में अगर आपको मेल गैमेटोफाइट पूछा है तो क्या बनाना है? अगेन वी विल स्टार्ट बाय ड्रॉइंग दी सर्कल. तीन बार ये रब करेंगे, विच इज नथिंग बट क्या है हमारा? ये जंप पोर. वी हैव द सेम थिंग गोइंग अबाउट, बट यहाँ पे अभी फर्क क्या आएगा? द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू बी बिगर, बिकॉज ये क्या बन गया अभी? इसने ट्रैवल किया है ना बच्चा लोग, कहाँ पे ट्रैवल किया है? फ्रॉम द स्टाइल टुवर्ड्स द ओव्यूल. समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस डॉटेड 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 डॉटेड. ये क्या है? पूरा इसको फिल कर देना है आप लोग ने. साइटोप्लाज्म. वी आर गोइंग टू हैव योर, अभी ना अभी क्या करेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस को ना बच्चा लोग ऐसे डॉटेड दिखाएंगे. क्यों ऐसे डॉटेड दिखाया है? सॉरी, इट इज डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस. कैसा न्यू ट्यूब न्यूक्लियस है? डीजेनरेटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग भी बोल सकते हैं हम लोग. मीनिंग इज द सेम. डीजेनरेटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस. एंड यहाँ पे अभी जनरेटिव सेल नहीं बनाएंगे. क्या बनाना है? टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. सो वॉट इज दिस कॉल्ड एज? इसको हम लोग क्या लेबलिंग देंगे बच्चा लोग? मेल गैमेटोफाइट का लेबलिंग देंगे. सिर्फ मेल गैमेटोफाइट पूछा तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी लास्ट डायग्राम. इफ दे आस्क अस द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तो क्या करेंगे हम लोग? डेवलपमेंट पूछा तो कितने डायग्राम बनाएंगे? फोर. पहले वाले दो और अभी वाले दो. डेवलपमेंट पूछा तो चारों के चारों डायग्राम्स हम लोग बनाएंगे. ओके. एंड इफ दे आस्क अस टू सेल्ड पोलन ग्रेन, कौन सा बनाएंगे? सेकेंड वाला. जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन बोला तो थर्ड वाला. ये वाला सब में फर्क दिख रहा है? टू सेल्ड पोलन ग्रेन में टू सेल्स दिखते हैं. जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन में क्या दिखता है? पोलन ट्यूब के अंदर कौन आया है? जनरेटिव सेल. ट्यूब न्यूक्लियस आया है. एंड मेल गैमेटोफाइट में क्या दिखता है? जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या बन गया है? दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. आई होप द आंसर इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी. श्योर? यस. Anybody has any doubts? Okay, so bacha logs, we are moving to the female part of the flower now. After completing successfully the male reproductive part, we move to the female reproductive part, which is nothing but gynoecium. So we know the female reproductive part of the flower is the gynoecium. So when we start with the word on gynoecium, we know that gynoecium, remember this, it is also known as pistil. Listen carefully, gynoecium pistil. Let me tell you all once,
second time you all can repeat, because here there is going to be something different from what you have not studied earlier. Gynoecium, which is the pistil, is the female reproductive part of the flower. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल ऑफ द फ्लावर. उसमें सपोज अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में ना एक नी है, दो नी है, चार पांच है. चार पांच को क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल एक एक को क्या बोलेंगे. जैसे सिंपल हम लोग बोलते हैं ये सभी को हम गर्ल्स बोलेंगे, ठीक है. बट इंडिविजुअल के लिए हमारे पास है ना, शी इज़ नीहा, शी इज़ अलीशा, इंडिविजुअल के लिए हमारे पास है. बट कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं हम, गर्ल्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो इंडिविजुअल मेंबर्स है ना, इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पल्स. एंड उनके लिए एक और वर्ड है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल. क्या बोला जाता है, मेगास्पोरोफिल. क्लियर है, जो इंडिविजुअल मेंबर्स है दे आर कॉल्ड एज कार्पल्स और दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल. फाइन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैड स्टडीड. हमने पढ़ा था कि गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टल पढ़ा था. बट नो, गाइनोशियम को ही पिस्टल बोला जाता है एंड इंडिविजुअल मेंबर्स को कार्पेल्स, कार्पेल्स को मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं, विच इज अ चेंज विच वी हैव स्टडीड फ्रॉम. अपने बुक में है, स्टेट बोर्ड की बुक में, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है. एनसीईआरटी में जो हमने पहले पढ़ा था वही था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था दैट गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंडिविजुअल मेंबर्स को कार्पेल और पिस्टल बोलते हैं. यहाँ पे अभी आगे देखते हैं हम लोग. अभी क्वेश्चन ये आता है, जैसे ये पूरी जो गर्ल्स है हमारे पास, ठीक है, ये गर्ल्स अभी दिख रहा है, इन सब के बीच में जगह है. ये देखो ना, वी हैव रिया एंड वी हैव लक्ष्मी, इनके बीच में जगह है. तो वी कैन से कार्पल्स आर फ्री. बट ये तीनों आपस में एकदम चिपक के बैठे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पल्स कैसे, फ्यूज्ड. तो क्या मतलब है, जब भी कार्पल्स के बीच में स्पेस नहीं है, कार्पल्स अलग अलग है, कार्पल्स के बीच में स्पेस है और वो अलग अलग है, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्पल्स आर फ्री. नाउ व्हेन दे आर फ्री, दे आर एपो. आप लोग फ्री हो, अलग अलग बैठे हो, आप लोग अपने आप बैठे हो फ्री, तो एपो कार्पस. तुम लोग फ्यूज्ड हो, फ्यूज्ड चिपके हो, एस आर एस. फ्यूज्ड में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस. तो एस तो हम लोग इनको बोलेंगे सिनकार्पस, इनको बोलेंगे फ्री वाले को एपोकार्पस, फ्यूज्ड वाले को सिनकार्पस. सिन एपो एंड सिन, आप लोग सिन कर रहे हो साथ में बैठ के. योर नॉट एस आई एन वाला, दिस इज एस वाई एन वाला, दिस इज एस वाई एन वाला सिनकार्पस. सो यहाँ पे वी कैन सी, at least you all two benches will remember what are you. When you all are free it is called as apocarpus, and when it is fused mein kya aa raha hai bacha log, s aa raha hai, to kya aayega, syncarpus. So yaad rahega, carpels are free carpels, they are called as apocarpus. Example is Michelia, because we can say Alicia loved once time Michael Jackson, so Michelia. And yahan pe we can say here we have got fused carpels. No, this is not going to be Alicia, this is going to be Rhea. Okay, Rhea liked Michael Jackson. Yes. Whose ex passed ho gaya, who is no longer there, theek hai, to abhi bhi wo sunte hai, to iska ke Michelia. These are fused carpels. Here we can say the favorite vegetable of Alicia is brinjal. So here fused carpel is called as syncarpus. क्या बोलेंगे, सिन कार्पस, वेयर द कार्पल्स आर फ्यूज. एग्जाम्पल इज ब्रिंजॉल. सी द एग्जाम्पल्स, थिंग्स आर सिंपलर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर. नाउ यू ऑल नो, व्हेन इट्स फ्री इट इज कॉल्ड एपोकार्पस, व्हेन इट्स फ्यूज्ड इट इज सिन कार्पस. एंड रिया लाइक माइकल जैक्सन, तो मिचेलिया. एंड अलिशा लव्स ब्रिंजॉल, सो एग्जाम्पल इज ब्रिंजॉल. एटलीस्ट द एग्जाम्पल्स विल बी रिमेंबर्ड बाई यू नाउ. फाइन, नाउ
Number of ovules varies from plant to plant. Number of ovules vary from plant to plant. तो इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, कोई कोई प्लांट में ना एक ही ओव्यूल है, सो उसको क्या बोला जाएगा, यूनी ओव्यूलेट. क्या समझ में आया, यूनी मतलब वन, वन ओव्यूल रहता है, दोज आर यूनी ओव्यूलेट विच इज पैडी. पैडी का मतलब होता है राइस, पैडी ही लिखना है आपको, राइस नहीं लिखना है, वीट. सो दे आर यूनी ओव्यूलेट विच मीन्स दे हैव वन ओव्यूल. एंड सेकेंड यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, देर इज मल्टी ओव्यूलेट. मल्टी ओव्यूलेट का मतलब क्या आएगा, देर इज द प्रेजेंस ऑफ मैनी ओव्यूल्स. क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चा लोग, मैनी ओव्यूल्स. एंड मैनी ओव्यूल्स में एग्जाम्पल क्या आएगा, वी हैव एग्जाम्पल एज टोमाटो एंड वी हैव लेडी फिंगर. We have tomato and we have lady finger. Fine. अभी ना next we are going to see about very important ovary के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, ovule. Ovary के अंदर क्या होता है, see मैं ना diagram बनाते बनाते पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुनो, आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनो. फाइन, एक ही बार बात देख रहे हैं हम लोग, एक बार में डन कर देंगे. देखो अगर ये ओव्यूल ना बच्चा लोग ऐसे सीधा होता, इफ दिस ओव्यूल वुड हैव बीन स्ट्रेट, दिस इज ये स्ट्रेट ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल विच इज स्ट्रेट. आई नो इट इज लुकिंग लाइक बोमैन्स कैप्सूल, बट नहीं, ये स्ट्रेट ओव्यूल है. बट वी आर गोइंग टू सी द ओव्यूल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज नथिंग बट इट इज हैविंग अ बेंट एक्सिस. क्या है आपने ओव्यूल के पास बच्चा लोग, बेंट एक्सिस, मतलब ये सीधा नहीं है, तुम्हारी तरह कैसा है, टेढ़ा. कैसा है, टेढ़ा, बट हम लोग बोलते हैं टेढ़ा है पर मेरा है. फाइन, नाउ दिस ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल. क्या बोलते हैं इसको, एनाट्रोपस ओव्यूल. सो In when we are studying NEET, we are going to see six different types of ovule: anatropous, amphitropous, carcinotropous, hemianotropous, camphylotropous, and orthotropous. We are going to see six different kinds of ovule NEET में, not now. अभी अपने syllabus में कौन सा है खाली, anatropous ovule. इसको anatropous क्यों बोलते हैं, because this ovule has a bent axis. And here we can see Madhura, what we can see बेटा, यहाँ पे we can see a downwardly directed opening है. जो opening है ना वो कैसे है, नीचे है, downwardly directed opening. This opening is called as micropyle. This opening is called as micropyle. Now this is called as the stalk of the ovule. ये जो दिख रहा है डंडी बनाया मैंने, this is called as the stalk of the ovule, which is called as funicle or funiculus. ये जो stalk of the ovule है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, funicle or funiculus. क्या बोलते हैं इसको, funicle or funiculus. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना मैंने दिखाया वो वास्क्यूलर स्ट्रैंड होता है, वास्क्यूलर स्ट्रैंड. सो जब भी हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, जब भी हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं. वन इज गोइंग टू बी, बोर्ड पे देखो, ओव्यूल में दो पार्ट आने वाले हैं. वन इज गोइंग टू बी दिस स्टॉक एंड दूसरा क्या आने वाला है, बॉडी. स्टॉक और बॉडी, द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस. उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा लोग, वैस्क्यूलर स्ट्रैंड. क्या प्रेजेंट है, विच इज गोइंग टू सप्लाई न्यूट्रिशन, किसको, इसको, टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. किसको सप्लाई करेगा न्यूट्रिशन, टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. नाउ दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच इज कॉल्ड चलाजा. इसको बेसल पार्ट क्यों बोल रहे हैं, ये ओव्यूल ऐसा टेढ़ा है ना बच्चा लोग, ये सीधा हो जाएगा तो ये बेसल हो जाएगा, राइट. अभी ऐसा है तो ये बेसल होगा, ये सीधा हो जाएगा तो ये बेसल हो जाएगा ना. ये देखो, ये ऊपर माइक्रोपाइल है,
ये देखो ये बेसल पार्ट है, क्योंकि सीधे में ये क्या है, बेसल. तो बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चलाजा. नाउ चलाजा इज द रीजन फ्रॉम वेयर इंटीग्यूमेंट्स डेवलप. नाउ यहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट्स है, ये बाहर वाला इंटीग्यूमेंट को बोला जाता है आउटर इंटीग्यूमेंट. क्या बोलेंगे इसको, बोलो आउटर इंटीग्यूमेंट. और ये जो अंदर वाला लेयर रहेगा, इसको इनर इंटीग्यूमेंट. नाउ ये इंटीग्यूमेंट क्या होता है, इंटीग्यूमेंट मतलब दे आर द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स. व्हाट आर दे आर द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स. दो इंटीग्यूमेंट है, बाहर वाले को आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर वाले को. तो ओव्यूल के पास दो इंटीग्यूमेंट है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस एज बायटेग्मिक. क्या बोलेंगे, बायटेग्मिक. क्या बोलेंगे, बायटेग्मिक. दो इंटीग्यूमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बायटेग्मिक. फाइन. ये इंटीग्यूमेंट्स किसने बनाए, दीज इंटीग्यूमेंट्स डेवलप फ्रॉम दी चलाजा. ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं किससे डेवलप होते हैं, फ्रॉम दी, दे सराउंड दी एंटायर ओव्यूल. दे आर गोइंग टू सराउंड दी एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल रीजन एट दी टिप विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. सो इंटीग्यूमेंट्स किससे डेवलप होते हैं, फ्रॉम दी चलाजा. दे सराउंड दी एंटायर ओव्यूल एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल रीजन एट दी टिप विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. वेरी गुड. नाउ दी सेंट्रल बल्क ऑफ दी ओव्यूल इज कॉल्ड एज दी न्यूसेलस. क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग, न्यूसेलस. इट इज नथिंग बट दी सेंट्रल बल्क ऑफ दी ओव्यूल. किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमा सेल्स. सब सेल्स डिप्लॉयड है. एंड कौन से सेल्स है बच्चा लोग, पैरेन्काइमा सेल्स. इट इज मेड अप ऑफ डिप्लॉयड मास ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. उसके बाद इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, वी हैव दी एम्ब्रियो सैक. क्या है ये ब्लू कलर वाला, वेरी गुड. जिसमें ना ये व्हाइट वाले दो सेल मैंने बनाया ना, ये सिनर्जिड है. एंड जो येलो वाला सेंट्रल बनाया ना, इसको एग सेल बोलेंगे. येलो वाले को क्या बोलेंगे, बोलो एग सेल. और व्हाइट वाले को क्या बोलेंगे, व्हाइट वाले को क्या बोलेंगे. और ये मिला के क्या बनता है, एग अपैरेटस. मिला के क्या बनता है, सो एग अपैरेटस इज मेड अप ऑफ सेंट्रल एग सेल. एंड जो दो बाजू में उसको क्या बोलेंगे हम, सिनर्जिड्स. उसको बाजू में उसको क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स. अभी जो थ्री सेल्स है टुवर्ड्स द चलाजल एंड, दे आर कॉल्ड आंटी. आंटी कौन सी आंटी, आंटी का पैर, आंटी पोडल्स. आंटी पोडल्स. एंड एग्जैक्टली इन दी सेंटर वी हैव गॉट दो न्यूक्लियस वाला, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी. एंड ये पूरे को मिला के बोलेंगे हम लोग एम्ब्रियो सैक. क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक है. तो एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल सेल कितने दिख रहे, गिनती करो, तीन तीन छः और एक सात. कितने दिख रहे, सेवन सेल. बट न्यूक्लियस कितने दिख रहे, आठ. वाई एट न्यूक्लिएट. सेंटर वाले के पास कितने न्यूक्लियस है, दो. तो सेल है सात, न्यूक्लियस है आठ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल. यस और नो, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड. सो वी कैन स्टॉप फॉर ईयर टिल टुडे. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें हमने देखा वो किसमें डिवाइडेड है, दो पार्ट बोलो, स्टॉक एंड बॉडी. स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल. और फ्यूनिकुलर, सॉरी, पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, बॉडी. पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, बॉडी. बॉडी का जो बेस रहता है उसको चलाजा, और एंड जो टिप रहता है उसको माइक्रोपाइल. चलाजा से कौन डेवलप होता है, इंटीग्यूमेंट्स. सेंट्रल बल्क को क्या बोलते हैं, न्यूसेलस. न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में सेल कितने हैं, सेवन. सेवन सेल. न्यूक्लियस कितने, एट. वेरी गुड.